हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में, यानी जेके बैंक के बारे में, जो कि फ्राइडे के दिन 5% से भी ज़्यादा की तेज़ी हमें नज़र आई और ये तेज़ी तकरीबन 1:30-2 बजे के आसपास हमें देखने को मिली। पूरा दिन साइडवेज मोमेंटम और फिर सडनली एक बढ़िया स्पाइक हमें देखने को मिला। तो इस तेज़ी के पीछे एक बहुत ही बड़ी धमाकेदार खबर निकल के आई है मैनेजमेंट की ओर से, तो उस खबर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और इन खबर के चलते आगे किस तरह की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, क्या पॉसिबल लेवल और टारगेट नजर आ सकते हैं, उसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन करते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एंगेज करना ना भूले और चैनल बनाया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो तेजी देखने को मिली थी तो उसके चलते कारोबार का सिचुएशन कैसा रहा था उसके ऊपर एक नजर करें तो आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, 1.75 रुपये की बढ़ोतरी यानी 5% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। प्रीवियस क्लोजिंग तकरीबन 33.80 रुपये पे और ओपनिंग हमें 33.70 रुपये पे नज़र आई। ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग, हाई बनाया 36.10 रुपये का, लो 33.30 रुपये का और फाइनली क्लोजिंग हमें 35.15 रुपये के आसपास नज़र आई, यानी डे हाई के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। डबल परसेंटेज की बात करें तो जो क्वांटिटी ट्रेड हुई वो तकरीबन 26,85,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से डेलेबल क्वांटिटी की बात करें तो 8,30,000 क्वांटिटी डेलेबल क्वांटिटी, यानी डेलेबल परसेंटेज निकल के आ रहे हो 30% के आसपास के डेलेबल परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो कारोबार का सिचुएशन तो यहाँ पे ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, खरीदारी भी कहीं ना कहीं होती हुई नज़र आ रही है। फ्रेंड्स, चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उससे पहले जो खबर निकल के आई है उसके ऊपर एक नज़र कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक्स के मैनेजमेंट की ओर से एक रिपोर्ट सबमिट हुआ है NSE और BSE को और वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने है। बताया जा रहा है कि बोर्ड मीटिंग टू कंसीडर राइजिंग ऑफ कैपिटल बाय द बैंक, यानी फ्रेंड्स 2 सितंबर, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 सितंबर के दिन बोर्ड का मीटिंग होने वाला है जेके बैंक्स के बोर्ड डायरेक्टर का, और उसमें फंड राइज को लेके यहाँ पे बढ़िया अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बैंक्स यहाँ पे फंड राइज करने का प्लानिंग कर रहा है, वो भी बॉन्ड के जरिए, Tier 1 Tier 2 बॉन्ड के जरिए फंड राइज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। अगर बैंक्स फंड राइज करता है तो यहाँ से हमें सीधा समझ में आता है कि बैंक्स अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने लिक्विडिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो ग्रोथ होने वाला है बैंक्स का वो काफ़ी शानदार हो सकता है। कहीं ना कहीं पैसा जुटाने की प्लानिंग में बैंक्स है फ्रेंड्स, तो हो सकता है यहाँ पे बॉन्ड के जरिए फंड राइज किया जा सकता है। कितना फंड राइज किया जाएगा वो 2 सितंबर को ही पता चलने वाला है। तो हो सकता है यहाँ पे इस खबर के दम पे हमें फ्राइडे के दिन तेज़ी देखने को मिली हो और वही तेज़ी आगे तक कहाँ कंटिन्यू रह सकती है उसके ऊपर हम टेक्निकली एनालिसिस करेंगे चार्ट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जेके बैंक का चार्ट आप लोगों के सामने है और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें भी ड्रॉ करके रखी है और ये चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है। और देखा जाए तो एक मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ करके रखी है और इसी ट्रेड लाइन को जेके बैंक एज अ रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है बार बार, और यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे देखा जाए तो इस ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगा, जब जेके बैंक 36 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है तभी मुझे लगता है कि यहाँ पे हम रिवर्सल के संकेत मान सकते हैं और फिर आप चाहे तो फ्रेश पोजिशन भी बना सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पोजिशन बनाई है तो 31 KSL के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स, और फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए 33 के आसपास आए तभी फ्रेश पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी 31 KSL के साथ फ्रेंड्स। और ऊपर की तरफ टारगेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर निकलता है और डे बेसिस पे भी क्लोजिंग दे दी तो पहला टारगेट 40 रुपये का और उसके ऊपर तकरीबन 44 रुपये तक के टारगेट निकल के आ सकते हैं। और लंबी अवधि के मैं टारगेट की बात करूँ तो फ्रेंड्स काफ़ी शानदार टारगेट है, उसके लिए मैं मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट्स को ओपन किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं तकरीबन 58 रुपये तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं जेके बैंक में। अगर आपने 5-6 महीने तक भी होल्ड किया तो तकरीबन 58 रुपये तक के टारगेट निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, बढ़िया टारगेट यहाँ पे आते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, प्रॉपर SL के साथ ही पोजिशन को होल्ड करना चाहिए, ऐसी सलाह रहेगी। तो जो मैंने आपको ये लेवल सजेस्ट किया, इन लेवल के ऊपर आप अपनी नज़र गड़ाए रखें। अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वेट एंड वॉच करें, 33 के आसपास आए तभी फ्रेश पोजीशन बनाए 31 KSL के साथ। इनके अगर बाजार में कोई बड़ी गिरावट आई तो हो सकते हैं आप इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दें और नीचे की तरफ आ जाए तो आपका SL हिट हो जाएगा, आप एग्जिट हो जाओगे, कहीं ना फंसोगे नहीं फ्रेंड्स। तो प्रॉपर SL के साथ ही ऑलवेज पोजीशन बनाइए, ऐसी सलाह रहेगी। तो इन लेवल को वॉच आउट कर अपना स्टडी कंडक्ट कर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाइए। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एंगेज करना ना भूले और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।